नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। यह खबर सहारा इंडिया के निवेशकों और कार्यकर्ताओं के लिए ज़रूरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से सहारा इंडिया के खिलाफ अब लोग सड़क पर उतर रहे हैं और आंदोलन हो रहा है। कुछ दिन पहले ही बिहार की राजधानी पटना में हज़ारों की संख्या में जो कार्यकर्ता और निवेशक हैं वो पटना आए हुए थे, बिहार विधानसभा को घेरने पहुँचे थे। उनका मांग था कि सहारा इंडिया में जो उनका पैसा फंसा हुआ है वो जल्द से जल्द मिले। इसके अलावा सेबी को लेकर भी वो लोग सवाल उठा रहे थे। इसके अलावा ये भी बता दें कि राजस्थान में भी बड़ा आंदोलन हुआ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बड़ा आंदोलन हुआ, वहाँ पे भी पूरे देश से जो सहारा इंडिया के कार्यकर्ता हैं वो पहुँचे हुए थे। लेकिन इस आंदोलन से कहीं ना कहीं सहारा इंडिया को अब दिक्कत होने लगा है। सहारा इंडिया ने इस आंदोलन को लेकर एक पत्र जारी किया है और निवेशकों और कार्यकर्ताओं से एक निवेदन किया है। उनका कहना है कि इस आंदोलन से कहीं ना कहीं उनके ऊपर खतरा आ सकता है और इस वजह से सहारा इंडिया के पास जो पैसे निवेशक के हैं वो जिंदगी भर के लिए फंस जा सकते हैं। देखिए, सहारा इंडिया ने एक पत्र जारी किया है और पत्र में क्या कुछ लिखा गया है यह हम आपको बताते हैं। यह पत्र कमांड कार्यालय सहारा इंडिया भवन लखनऊ से जारी किया गया है और इसमें लिखा गया है कि अब मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारी स्थिति को शांति से समझें और धैर्य से हमारा साथ दें। पुलिस अदालत या अन्यंत्र कहीं आपकी शिकायतें अथवा आपके प्रदर्शन आंदोलनों के कारण सरकार कार्रवाई करती है तो वो मजबूरन कंपनी के प्रबंधन को भंग कर देगी और सरकारी प्रबंधन के रूप में कोई पुलिस अदालत या अन्यंत्र कहीं आपकी शिकायतों अथवा आपके प्रदर्शन आंदोलनों के कारण सरकार कार्रवाई करती है तो वो मजबूरन कंपनी के प्रबंधन को भंग कर देगी और सरकारी प्रबंधन के रूप में कोई परिसमापक बिठा देगी। अगर सहारा प्रशासन को हटाया गया तो सबके लिए बहुत ही विनाशकारी बात होगी। सहारा प्रशासन बना रहा तो सबका भुगतान होगा, अन्यथा आपका पैसा कहाँ से मिलेगा, कैसे, कब मिलेगा, कौन देगा। इतिहास बताता है कि जब भी किसी फाइनेंस कंपनी, सोसाइटी या परिसमापक के अधीन किया गया है तो निवेशक दर दर की ठोकरें खाते रहे हैं, यहाँ तक कि उनका एक भी पैसा बीसों वर्ष बाद या कई वर्षों के बाद भी लिक्विडेटर बैठाने के बाद भी उनको नहीं मिला है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बताया है, नाम लिया है गोल्डन फॉरेस्ट, पीसीएल, आदर्श सोसाइटी इत्यादि का। यथार्थ इनका सिर्फ नुकसान हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप इस बात पर ठंडे मन से विचार करें और किसी अच्छे कानूनी जानकार के साथ विचार विमर्श करें और संयम से काम लें। मैं आपको आश्वासन करना चाहता हूं कि सहारा आपका सारा भुगतान करेगा। भुगतान में एक साल या उससे अधिक का समय भले ही लग सकता है, लेकिन भुगतान सहारा को ही करना है, सहारा ही करेगा। देश की कोई भी अन्य संस्था या किसी भी अन्य प्रक्रिया से भुगतान मिलना संभव नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि किसी के भड़कावे में आकर ऐसी स्थिति ना पैदा होने दें जिससे भुगतान के सारे रास्ते ही बंद हो जाए। आप इस समूची स्थिति को समझें, सहारा का साथ दें और पूर्ण शांति बनाए रखें। आपके हितों के लिए प्रतिबद्ध सहारा प्रबंधन देश के सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष के साथ और तरीके से निरंतर प्रयत्नशील है। तो ये सहारा इंडिया की तरफ से यह पत्र जारी किया गया है और निवेशकों और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे अनुरोध किया गया है कि आप लोग ठंडे दिमाग से सोचें, शांति बनाए रखें। नहीं तो अगर आप प्रदर्शन कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं और उसको लेकर अगर सरकार कार्रवाई करती है तो सबसे पहले सहारा इंडिया के जो प्रबंधन है उसे बर्खास्त किया जाएगा, यानी कि जो मैनेजमेंट टीम है उसे हटा दिया जाएगा और सरकार अपने तरफ से एक टीम का गठन करेगी जो कि सहारा इंडिया को कमांड करेगा और चलाएगा। अगर ऐसा होता है तो फिर सहारा इंडिया के जो निवेशक हैं उनका पैसा नहीं मिल पाएगा, ऐसा कहना सहारा इंडिया का है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो आंदोलन हो रहा है और प्रदर्शन हो रहा है उसका असर अब साफ साफ दिखने लगा है। सहारा इंडिया की तरफ से भी जवाब आ रहा है कि भले एक साल लगे या फिर एक साल से कुछ अधिक समय लग जाए, लेकिन सहारा इंडिया आप लोगों का पैसा लौटाएगा और इसके लिए वो लोग प्रतिबद्ध है और लगातार वो लोग प्रयासरत भी है कि कैसे लोगों का पैसा उनके पास पहुंचाया जाए। इसके साथ ही सहारा इंडिया का ये भी कहना है
सेबी के द्वारा जो उनका पैसा है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर 24,000 करोड़ रुपए सेबी सहारा इंडिया को दे देती है तो फिर सहारा इंडिया अपने निवेशकों को का जो पैसा है वो लौटा देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि आखिर और कितने साल इंतज़ार करना पड़ेगा। जो छोटे छोटे निवेशक हैं जो अपने मेहनत की कमाई का जो पैसा है वो सहारा इंडिया में जमा किए थे ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके, बेटी का शादी समय पर कर सके, कोई अगर बीमार होता है तो उसका इलाज हो सके। लेकिन सहारा इंडिया लाखों निवेशकों का जो पैसा है वो लेकर बैठा हुआ है। कानूनी दांव पेच जो है वो आम इंसान को समझ में नहीं आता है। अगर उसे ज़रूरत है, उसने अपने ज़रूरत के लिए मेहनत की जो कमाई है, सालों की कमाई एक कंपनी में निवेश करता है, लेकिन उसका पैसा कहीं ना कहीं डूब जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं वो काफ़ी हताश हो गए हैं, परेशान हो गए हैं और लोग मजबूर हैं इसलिए सड़क पर उतर रहे हैं। इन सारी बातों का भी ध्यान सहारा इंडिया को रखना चाहिए। बहरहाल, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। सहारा इंडिया की सफाई को लेकर आप क्या सोचते हैं कॉमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।